हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज। देखिए, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन बाइंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है और ऑप्शन बाइंग होती है वो बहुत लुक्रेटिव लगती है क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है और जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है। इसलिए जो नए पार्टिसिपेंट होते हैं, जो मार्केट में नए ट्रेडर्स आते हैं, उनको ऑप्शन बाइंग बहुत लुक्रेटिव लगती है। लेकिन देखिए, आपको कभी भी प्लेन वनीला ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए। प्लेन वनीला मतलब आपको आउटराइट कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए अपने डायरेक्शनल व्यू को प्ले करने के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में थीटा डीके होता है वो आपके अगेंस्ट काम करता है। हर एक पासिंग डे के साथ टाइम वैल्यू टूटती है जो कि एक ऑप्शन बाय का लॉस होता है। तो आपको कभी भी प्लेन वनीला ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपको स्ट्रेटजीज के थ्रू ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज कौन सी हैं और उनको ट्रेड किस तरह से किया जाता है। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि ये स्ट्रेटजीज कौन सी हैं और इनको कैसे सेटअप किया जाता है। तो ये मैं आपको ले आया हूं ओप्ट्रा की स्क्रीन पर और निफ्टी अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 16050 पे, मतलब 16050 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ऑप्शन बाइंग अगर करनी है तो बेस्ट स्ट्रेटजीज कौन सी हैं। तो जो सबसे पहली स्ट्रेटजी है उसका नाम है बैक स्प्रेड। आपको ऑप्शन बाइंग बैक स्प्रेड के थ्रू करनी चाहिए। एक बैक स्प्रेड क्या होता है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है। इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि एक बैक स्प्रेड क्या होता है। तो आपको ट्रेड करनी चाहिए बैक स्प्रेड। अभी मैं आपको बताता हूं कि आप एक बैक स्प्रेड को किस तरह से सेटअप कर सकते हो। तो देखिए, मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं। निफ्टी है 16050 पे। तो बैक स्प्रेड में क्या होता है, हम एक इन द मनी या एट द मनी का ऑप्शन सेल कर देते हैं और उससे जो प्रीमियम हमें मिला है उससे हम मल्टीपल ऑप्शंस को बाय करते हैं आउट द मनी के। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, निफ्टी का जो एट द मनी का लेवल है वो है 16050। तो हम क्या करेंगे, हम 16000 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे जिसका प्रीमियम चल रहा है 229 रुपीज। तो इसका एक लोट मैंने सेल कर दिया। जब मैंने 16000 का कॉल ऑप्शन सेल किया तो मैंने 229 रुपीज़ मार्केट से रिसीव कर लिए। मुझे 229 रुपीज़ मिल गए। अब मेरे पास 229 रुपीज़ हैं। इन 229 रुपीज़ का जो प्रीमियम मैंने रिसीव किया है इसको यूज़ करके और मैं ऑप्शंस को बाई करूंगा आउट द मनी के। तो आप देखिए, 16350 का जो कॉल ऑप्शन है ये ट्रेड कर रहा है 74 रुपीज़ पे। तो इसके मैं 3 लोट बाई कर लूंगा। इसके 3 लोट अगर मैं बाई करता हूँ तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 74 × 3, मतलब कितना हो गया 222 रुपीज़। तो इसके मैं 3 लोट बाई कर लूंगा। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने क्या किया, मैंने 16000 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और उसको सेल करके मुझे कितना प्रीमियम मिल गया, 229 रुपीज। अब इस 229 रुपीज को यूज करके और मैंने 16350 के कॉल ऑप्शन के 3 लोट बाई कर लिए। तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो भी मुझे लॉस नहीं होगा। देखिए, यही होता है जब हम ऑप्शन बाय करते हैं। मान लीजिए मैं कोई कॉल ऑप्शन बाय करता हूं तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तब तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है वो मेरा रिस्क होता है। तो जब मार्केट नीचे जाता है उस टाइम पे जो लॉस होता है उसको मुझे काउंटर करना है। तो अब देखिए, ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है और अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन लॉस कहाँ पे हो रहा है, मुझे लॉस देखिए इस जोन में हो रहा है। ये जो रीजन है इसमें आपको लॉस हो रहा है। आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, 17000 रुपीज का। और ये कहाँ पे होगा, जिस स्ट्राइक के ऑप्शन आपने बाय किए हैं अगर मार्केट वहीं पे एक्सपायर होता है तो आपको मैक्सिमम लॉस होगा जो कि है 17000 रुपीज का। तो ये जो मैक्सिमम लॉस आपको 17000 रुपीज का दिख रहा है, ये इस पूरे जोन में ये लॉस नहीं होगा। ये लॉस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है। अगर मार्केट 16350 पे ही एक्सपायर होता है उस टाइम पे आपको मैक्सिमम लॉस होगा। उससे अगर थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे होता है तो आपको लॉस होगा, लेकिन आपका लॉस कम होता जाएगा नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। तो देखिए, ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, इसको आप ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग, जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको प्लेन वनीला ऑप्शन बाइंग नहीं करना है, आपको स्ट्रेटजीज के थ्रू ऑप्शन बाइंग करनी है। लेकिन इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने की एक कंडीशन है कि अगर आपका व्यू हो कि मार्केट एक जोन में रह सकता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, अगर यहीं पर मार्केट रहेगा तो उस टाइम पर आपको इस तरह की स्ट्रेटजी को ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये वाला जो जोन है ये मेरा लॉस मेकिंग जोन है। तो पहली स्ट्रेटजी है बैक स्प्रेड। बैक स्प्रेड एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है अगर आप इसको सही तरीके से ट्रेड करते हो तो, क्योंकि हमने एक ऑप्शन सेल किया है और जो प्रीमियम हमने रिसीव किया है उसी को यूज करके हमने मल्टीपल ऑप्शंस को बाय किया है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो जो ऑप्शन हमने सेल किया है उसमें हमें अनलिमिटेड लॉस होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने 3 ऑप्शन बाय कर रखे हैं। तो उन 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है वो हैज करेगा जो ऑप्शन मैंने सेल किया उसको, और जो 2 बचे हुए ऑप्शंस हैं वो हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट देंगे। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना ही प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जहाँ के ऑप्शन मैंने बाय किए हैं अगर उसी स्ट्राइक पे मार्केट एक्सपायर होता है उस टाइम पे मुझे मैक्सिमम लॉस होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये स्ट्रेटजी कॉल ऑप्शन का एग्जाम्पल लेकर समझाइए, लेकिन आप इस स्ट्रेटजी को पुट ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये यहाँ पे जो मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं कॉल बैक स्प्रेड। अगर आप पुट ऑप्शन लेके ट्रेड करते हो तो उसको बोलेंगे पुट बैक स्प्रेड। तो पहली स्ट्रेटजी तो होगी रेशियो स्प्रेड। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटजी की। दूसरी स्ट्रेटजी है बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड। अगर आप कॉल ऑप्शन लेके ट्रेड कर रहे हो तो दैट इज ए बुल कॉल स्प्रेड। अगर आप पुट ऑप्शन लेके ट्रेड कर रहे हो तो दैट इज ए बियर पुट स्प्रेड। तो ये स्ट्रेटजी क्या होती है, इन पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। इसको आप जीरो लॉस कैसे बना सकते हो उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि आप एक बुल कॉल स्प्रेड को जीरो लॉस ट्रेड कैसे बना सकते हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि एक बुल कॉल स्प्रेड को किस तरह से आप सेटअप कर सकते हो। तो ये सब मैं हटा देता हूं। तो देखिए मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 16,050 पे। तो बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करने के लिए क्या होगा, आप एक इन द मनी या एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करोगे और उससे बाहर जाके आउट द मनी का एक कॉल ऑप्शन सेल करोगे। तो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूं। मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं और 16,000 का मैं एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूं। मान लीजिए मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर लिया, जिसके लिए मैंने 229 रुपीज मार्केट को पे किए हैं। तो इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। अब बुल कॉल स्प्रेड में हमारा लॉजिक क्या होता है कि ये जो ऑप्शन मैंने बाई किया है, जिसके लिए 229 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं, इस ऑप्शन की कॉस्ट को मुझे कम करना है। जो 229 रुपीज मैंने मार्केट को पे कर दिए हैं, इस कॉस्ट को मुझे कम करना है आउट द मनी का ऑप्शन सेल करके। तो मान लीजिए मैं 16,200 का कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ, तो इसका प्रीमियम कितना है, 128 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो मैंने क्या किया है, 16,000 का कॉल ऑप्शन था वो मैंने बाई किया और उसके लिए 229 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए और उसमें से 128 रुपीज मैंने मार्केट से वापस ले लिए। कैसे, 16,200 का कॉल ऑप्शन सेल करके। तो इन टोटल मैंने मार्केट को सिर्फ 100 रुपये ही दिए हैं। ये जो ऑप्शन मैंने बाई किया था इसके कॉस्ट को मैंने 128 रुपीज से कम कर दिया है। तो अब आप मेरा पे ऑफ चार्ट देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा। और यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:1। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे 5,000 रुपये का लॉस हो रहा है। ये प्रॉफिट यहाँ पे 5,000 रुपये का कैसे आया कि 100 रुपीज तो मेरी कॉस्ट थी और मेरे स्प्रेड की विड्थ कितनी है, 200 पॉइंट की। तो 200 में से अगर मैं 100 माइनस कर देता हूं तो आता है 100 और वो 100 रुपीज का यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है। तो दूसरी स्ट्रेटजी है बुल कॉल स्प्रेड। अब जैसे यहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन लेके आपको दिखाया है, तो कॉल ऑप्शन अगर आप यूज करते हो तो ये बन जाती है बुल कॉल स्प्रेड। यहीं पे अगर आप पुट ऑप्शन को लेकर ट्रेड करते हो तो उसको बोलते हैं बियर पुट स्प्रेड। तो बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड दोनों के पीछे का लॉजिक सेम है, सिर्फ एक का नेचर बुलिश है, एक का नेचर बियरिश है। अगर आप कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करते हैं तो ये बुलिश है, इसलिए इसको बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं। अगर आप पुट ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करते हैं तो ये बियरिश है, इसलिए इसको बियर पुट स्प्रेड बोलते हैं। तो ये दो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं। पहली है बैक स्प्रेड और दूसरी है बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड। बैक स्प्रेड है उसको आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, और सिमिलरली बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड इसको भी आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करते हैं तो ये बुल कॉल स्प्रेड है, अगर आप पुट ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करते हैं तो ये बियर पुट स्प्रेड है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो रेदर देन बाइंग प्लेन वनीला ऑप्शन, आपको स्ट्रेटजीज के थ्रू ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। तो चलिए ये तो बात होगी आज के वीडियो की। अब हम बात कर लेते हैं कल के वीडियो की। देखिए जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें तीन चीजें हम देखते हैं। पहली चीज रिस्क रिवॉर्ड, दूसरी चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और तीसरी चीज की मार्जिन कितना लग रहा है। तो ये तीन चीज हम सबसे पहले देखते हैं कि आपका मार्जिन कितना लग रहा है, आपका उस ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड कितना है और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है। और ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपको एक ही ट्रेड में ये तीनों चीजें मिले, कि आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो भी अच्छा खासा हो, आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम हो और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी बहुत ज्यादा हो। तो किसी एक स्ट्रेटजी में ये तीनों चीजें मिले, ऐसा बहुत रेयर होता है। और कल के वीडियो में मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी हाई है, जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो भी अच्छा खासा है और जिसमें आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है। तो ये स्ट्रेटजी मैं आपको कल वाले वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये एक मेंबर्स ओनली वीडियो होने वाला है, तो जिन्होंने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है, जो चैनल के मेंबर हैं, उनके लिए ये वीडियो मैं कल लेके आने वाला हूं, जिसके अंदर मैं एक प्रीमियम स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। तो मेक श्योर आप इसको मिस ना करें। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।